हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 5 इमोजी पजल। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को भी जरूर से एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नंबर 1, इन इमोजी को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये किस सीरियल का नाम है। देखते हैं कितने लोग इस पहेली का सही आंसर बता पाते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इस सीरियल का नाम है KBC। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दे। तो चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। दोस्तों, अब इस इमेज को देखिए और बताइए कि सब्जी का नाम क्या होगा। थोड़ा सोचकर इसका आंसर कमेंट में बताइए। आपके पास 10 सेकंड का समय है। दोस्तों, इस सब्जी का नाम है लेडी फिंगर। यहाँ एक लड़की है जिसको बोलते हैं लेडी और आगे उंगलियां है जिसको बोलते हैं फिंगर। तो मिलकर बनेगा लेडी फिंगर। तो चलिए तीसरी पहेली देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से कभी हिलती नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर ओनली 1% लोग बता पाते हैं। देखते हैं आज कितने लोग इसका आंसर देते हैं। अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है सड़क, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर कभी भी हिलती नहीं है। पहेली नंबर 4, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो सोने की है पर सोने से बहुत ज्यादा सस्ती है। इसका आंसर तो बहुत इजी है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर है बेड। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए 5वीं पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस इमोजी को ध्यान से देखिए और बताइए कि लड़की का नाम क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है। इस लड़की का नाम होगा गायत्री। यहाँ पर एक गाय है और एक ट्री है, तो दोनों मिलकर लड़की का नाम बनेगा गायत्री। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी, और इसका सबसे पहले सही आंसर बताया है तंजील मरफानी, के चैंपियंस, अंजलि अग्रवाल, अर्पणा शर्मा और कविता गर्ग ने। और आज का स्मार्ट ब्रेन रिडल क्वेश्चन है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट 5 लोगों के नाम हमारी अगली वीडियो में शामिल होंगे। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।